जो लगातार प्रतिपक्ष इन बातों को कहता रहा है कि भारत का चुनाव आयोग तोता की भूमिका में है। बगल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यूपी के चुनाव में लगे हुए हैं, क्या इस कारण से भारत निर्वाचन आयोग भारत सरकार के भारतीय जनता पार्टी के आदेश का इंतजार कर रही है? मेरा सीधा आरोप है कि भारत का निर्वाचन आयोग जानबूझ करके बिहार के 24 उन सीटों पर चुनाव नहीं करा रही है कि जब तक यूपी के चुनाव और अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं उसका चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। और इसलिए कह रहा हूं कि यह आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। इसलिए पूरी तौर पर मेरा सीधा चार्ज है भारत के चुनाव आयोग पर कि जानबूझकर के चुनाव आयोग अपनी जो उसकी ड्यूटी है ड्यूटी के अनुपालन में कहीं न कहीं कोताही नहीं बरत रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर तोता की भूमिका में है। मुझे तो हैरानी उन दिनों भी हुआ था जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने हमारे श्रमवीरों को आफत के समय में बिहार जब लोग आ रहे थे तो बिहार में नहीं घुसने देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। उससे ही मुझे हैरानी हुई थी और आज भी हैरानी हुई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है निश्चित तौर पर इसकी जितनी भी निंदा की है वो कम है। मैं तो कहता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए ऐसे भी ऐसे बयानों पर। तो पत्रकार साथियों का पत्रकार वार्ता सम्मेलन में स्वागत भी है और अभिनंदन भी। आज आप लोग का बुलाने का मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं कि स्थानीय प्राधिकार से 24 सीटों पर चुनाव होता है बिहार विधान परिषद के लिए, वो सीटें अभी तक खाली है। 7 माह से अधिक बीत गए पर अभी तक कोई अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। ज्ञात सूत्रों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया है। दिसंबर माह में पंचायत के सभी चुनाव संपन्न हुए और पहले ये कहा गया कि चुनाव इसलिए रोका गया है कि पंचायत के स्तर पर चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं और जो प्रतिनिधि स्थानीय निकाय से चुनाव जीत करके आते हैं वही मतदाता होते हैं, लेकिन दिसंबर माह में वह भी चुनाव संपन्न हो गए। 6 महीना में मैंडेटरी होता है किसी भी खाली पदों पर चुनाव कराने का, लेकिन किन कारणों से भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है? मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो लगातार प्रतिपक्ष इन बातों को कहता रहा है कि भारत का चुनाव आयोग तोता की भूमिका में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बगल में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यूपी के चुनाव में लगे हुए हैं, क्या इस कारण से भारत निर्वाचन आयोग भारत सरकार के भारतीय जनता पार्टी के आदेश का इंतजार कर रही है और अपनी जो भूमिका स्वायत्तता की होनी चाहिए भारत निर्वाचन आयोग की, वह स्वायत्तता के ऊपर ही एक सवाल खड़ा हो गया है और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जब पंचायत के चुनाव हो गए, मतदाता सूची तैयार हो गए तो फिर भी स्थानीय प्राधिकार से भरे जाने वाले 24 सीट अभी तक क्यों कर खाली करके रखा गया है। तो मेरा सीधा आरोप है कि भारत का निर्वाचन आयोग जानबूझ करके बिहार के 24 उन सीटों पर चुनाव नहीं करा रही है कि जब तक यूपी के चुनाव और अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं उसका चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। तो एक तरह से स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी जो भी देश के अंदर संस्थाएं हैं उसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कैसे होता है उसका यह नमूना है। और आप लोग जानते हैं कि प्रतिनिधि ही इसमें पूरी तरह से आपको मतदान का प्रयोग करते हैं।
तो आज का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था हमको बुलाने का कि भाई कोई बताए कि नियम कायदे सबके लिए होते हैं, मान्य परंपरा के अनुसार जो सरकार, जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो बनाई है नियमावली, उस नियमावली के तहत 6 महीने के अंदर चुनाव होने थे, क्यों कर नहीं हुए? कोरोना का बहाना, हर चुनाव कोरोना में हुआ। यूपी के चुनाव की शुरुआत, कई ऐसे प्रोग्राम कोरोना में हुए, बंगाल के चुनाव कोरोना में हुए, पंचायतों का चुनाव भी कोरोना काल में ही हुआ। इसलिए यह कह देना कि यह कोरोना काल के कारण टाला गया है तो मैं समझता हूं कि यह उचित तो नहीं है, और इसलिए कह रहा हूं कि यह आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। इसलिए पूरी तौर पर मेरा सीधा चार्ज है भारत के चुनाव आयोग पर कि जानबूझकर के चुनाव आयोग अपनी जो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी के अनुपालन में कहीं न कहीं कोताही नहीं बरत रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर तोता की भूमिका में है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये आरोप उनके द्वारा लेट जो हो रहा है कराने में, चुनाव कराने में, संपन्न कराने में, तिथि की घोषणा करने में, अधिसूचना जारी करने में, और पूरी एनडीए, पूरी कुनवा इन दिनों यूपी में पूरी तरह से विद वैगन बैगेज वहां लॉन्च कर दिए गए हैं। और यहाँ के चुनाव चुपचाप में, विकास अवरुद्ध है, कोरम का अभाव है, कई तरह की चीजें हैं। तो मेरा मत सीधा सीधा आरोप है, आज क्या जो हमारा प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का चुनाव आयोग जानबूझकर करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बिहार के स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव को टाल रही है। बिहार के लोग शर्मवीर हैं और अपने कर्मों से हर देश के हर कोने में जाकर के अपने कार्यों का लोहा ही नहीं मनवाते हैं, बल्कि उन्नति में उनकी अहम भूमिका होती है। जो लोग यह सोचते हैं या इस तरह के बयान देते हैं सामयिक चीजों को ध्यान में रख करके, तो मैं समझता हूं कि ये मानसिक असंतुलन से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हैरानी होती है इन बातों से कि भाई कोई भी राज्य का, ये देश सबकी है, ये देश किसी एक की नहीं है, ये देश पूरे भारतवर्ष की है। इस देश में फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, हर व्यक्ति को हर राज्य में रहने का अधिकार है। हम देश के नागरिक हैं, हम भेद नहीं बरत सकते हैं, न रंग के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। हम सबसे पहले एक भारतीय हैं, हम इसलिए भारतीयों के साथ कोई भी राज्य, कोई भी राज्य के साथ खिलाफ अगर कोई बातें करता, तो मुझे हैरानी सिर्फ चन्नी साहब के बयान पर ही नहीं हो रहा, मुझे तो हैरानी उन दिनों भी हुआ था जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने हमारे श्रमवीरों को आफत के समय में, बिहार जब लोग आ रहे थे तो बिहार में नहीं घुसने देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। उससे मुझे हैरानी हुई थी और आज भी हैरानी हुई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर इसकी जितनी भी निंदा की है वो कम है। मैं तो कहता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए ऐसे भी ऐसे बयानों पर। किसी की मौजूदगी होना और किसी के द्वारा बातें कहना, दोनों दो चीजें होती है। मेरा मत साफ है कि जो चीजें उन्होंने कहा है, मैं इससे अपनी राय स्पष्ट कर दी आपके सामने कि हम इससे सहमत नहीं है, हम इसका प्रतिकार करते हैं। जेल मैनुअल को लेकर के बात चली है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, वो पुराने तस्वीर को लोग दिखा कर करके जेल मैनुअल का हवाला देते हैं। लालू प्रसाद जी के बारे में जो लोग, जिनके पेट में दर्द है, मैं यह कहेंगे तो लोग को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सवाल दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। देश में कई राज्य हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कई करोड़ों की गमन हुई, हम न्यायालय पे कोई टिप्पणी आज तक नहीं किया है, हमारी पार्टी ने भी नहीं किया है। हमारा सीधा सीधा हमला उन अन्वेषण एजेंसी पर रहा है, उन अनुसंधानकर्ताओं पर रहा है जिन्होंने पॉलिटिकल वैंडेटा के तहत उन हर नियमों को ताक पर रखा है, जैसे संविधान की जो मूल आत्मा है, प्रीएम्बल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है उसकी समझ होनी चाहिए, सबको समझ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, उसका वायलेशन है या नहीं है वो तो देखना उन लोगों का काम है। लेकिन जेल मैनुअल के सवाल पर मेरा मत साफ है कि अगर जेल मैनुअल की जो बातें हमें भी दिखने में आई है वो पुरानी तस्वीर को दिखा करके लोग इसको आज के डेट में अपना परसेप्शन चाहते हैं एस्टेब्लिश करना। हम सभी नियमों का आदर करते हैं, पालन भी करते हैं।